बहुत दिन बाद आ गए हैं एक ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग का मेन बेसिस क्या होना चाहिए, यानी कि वीडियो एडिटिंग पर। तो मैं पहले बता दूं, इसमें दो केस है। इन वीडियो में मैं दो केस बताऊंगी, एक फोन के मामले में और एक कंप्यूटर के मामले में। तो मैं पहले बता दूं, फोन के मामले में अगर आपके पास एक फोन हो तो उसमें आप क्या करेंगे, फोन में ही प्ले स्टोर में जाकर, गूगल की प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन आता है काइनमास्टर प्रो या फिर काइनमास्टर नाम के एक एप्लीकेशन आते हैं, तो उनको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए अपनी मोबाइल में एंड छोटे छोटे 2-4 मिनट का प्रोजेक्ट बनाते रहिए। जब आपके स्किल्स अच्छे हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, तो आपको ही खुद को लगेगा कि भाई ये काइनमास्टर तो बहुत धीमी पड़ रही है। उस टाइम पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक कंप्यूटर खरीदना है, या फिर आपको कंप्यूटर खरीदने के सामर्थ्य नहीं है तो आप मोबाइल पर ही काम कर सकते हैं। उन काइनमास्टर में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रीसेट्स हैं, वो आप काम में लगा सकते हैं। और जब आपका कंप्यूटर आ जाता है तो आप कंप्यूटर में जाइए। सेकंड केस मैं बताती हूँ कंप्यूटर के मामले में। कंप्यूटर के पास जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल नहीं है, तो आप कंप्यूटर से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको कंप्यूटर्स के जो नॉलेज है थोड़े थोड़े जान लेना चाहिए मेरे आइडिया से। एंड अगर आप बात करो कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में कौन से एप्लीकेशन यूज करें पहले, पहले जाइए फिल्मोरा गो, इस टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन पर फ्री, उनको इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल करिए अपनी कंप्यूटर में। आपकी चाहे वो विंडोज़ हो या फिर मैक, यानी कि एप्पल के कंप्यूटर्स, वो दोनों में ही रन होते हैं। आप जाइए एंड उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से अपने अपने वीडियोस को, अपने प्रोजेक्ट्स को सजाते रहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो वीडियो या फिर प्रोजेक्ट 5-10 मिनट्स के अंदर ही रहना, क्योंकि वो आप बिगिनर्स हैं, आपके लिए 5-10 मिनट्स बहुत ही ज़्यादा है। 2 से 5 मिनट ये ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जा सकते हैं 10 मिनट्स तक, उसके ज़्यादा नहीं। उस मामले में आपको फिल्मोरा बहुत अच्छा लगेगा जब आप बिगिनर में काम कर रहे हो। लेकिन आप अगर बहुत दिन लेकर प्रैक्टिस करते हो फिल्मोरा को बहुत अच्छी तरीके से, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको फिल्मोरा भी बहुत कमज़ोर फील होगा। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी डेवलपर ऐप डेवलपर है और प्रीमियर प्रो उनका एक प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट है, उनको आप खरीदिए। अगर आपके पास खरीदने का पैसा नहीं है तो उनका आप क्रैक वर्सन यूज़ कर सकते हैं। उन क्रैक वर्सन में आप लोगों को क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में वो रन करना है। उस एडोब प्रीमियर प्रो की कोई भी वर्जन हो वो आपको अच्छी तरीके से चलेगा अपने कंप्यूटर्स में। तो वो आप उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते रहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, एडोब प्रीमियर प्रो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए है, VFX के लिए एडोबी ऐप डेवलपर का ही आते हैं एक प्रोडक्ट, उनका नाम है एडोबी आफ्टर इफेक्ट। उनमें जाकर आप 3D कैमरा या फिर VFX बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एडोबी प्रीमियर प्रो को कभी मत भूलना, क्योंकि VFX क्रिएट कर सकते हो एडोबी आफ्टर इफेक्ट में, लेकिन उनको उसी वीडियो को लेकर आपको एक अच्छे तरीके से वीडियो या फिर मूवी वगैरह बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ वो एडोब प्रीमियर प्रो में ही बन सकती हैं। क्योंकि एडोब आफ्टर इफेक्ट में एक 10 सेकंड का वीडियो हो तो वो 80-100 MB अबव चले जाते हैं उनका फाइल साइज, सो ये बहुत ही लार्ज होते हैं। तो अगर आप एक 2-4 घंटे की मूवी बना रहे होते हो तो मतलब सोच लो कि एक मूवी आफ्टर इफेक्ट में बनाओगे, एक तो आपका कंप्यूटर फेल ही हो जाएगा जितने भी हाई कॉन्फ़िगरेशन के हो। अगर आपका कंप्यूटर चल भी जाती है तो एक मूवी के लिए आता है करीब 10-20 TB, तो इतने ज़्यादा प्रीमियम हार्ड डिस्क आई थिंक मैंने तो कभी नहीं देखी है। अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है। एक बात बता दूं, एडोबी आफ्टर इफेक्ट को सीखना ज़रूर सीखना, लेकिन जब आपकी प्रीमियर प्रो में स्किल्स अच्छे हो गए हो। और एक टाइम आएगा कि आपको प्रीमियर प्रो कमज़ोर लगने लगेगा, उस टाइम में आपको आफ्टर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के सीखना चाहिए। क्योंकि एडोबी प्रीमियर प्रो जिस टाइम आपको बहुत ही बुरी लगे, उस टाइम में आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट बहुत ही एनर्जेटिक फील कराएगा।
एंड नेक्स्ट आते हैं FCP यानी कि फाइनल कट प्रो जो एप्पल्स के लिए अवेलेबल है, एप्पल कंप्यूटर्स के लिए, विंडोज में वो नहीं रन करते हैं। एंड आते हैं डिविंसी रिजॉल्व। डिविंसी रिजॉल्व विंडोज एंड मैक यानी कि एप्पल्स दोनों में ही अवेलेबल होते हैं। आप लोग बताएंगे कि भाई डिविंसी रिजॉल्व एंड फाइनल कट प्रो क्यों नहीं यूज़ करेंगे। आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कोई भी बुराई नहीं कहूँगा, लेकिन डिविंसी रिजॉल्व एक ऐसे तरीके का सॉफ्टवेयर है कि उसको अगर आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में रन करोगे, आपके बहुत ही यानी कि 10 लाख का CPU होगा तो भी आई थिंक आपका CPU हैंग हो जाएगा। सो इसीलिए मैं बता दूं, पहले आपके कंप्यूटर की जो डेटाबेस है, अगर आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन की कंप्यूटर है तो, यानी कि 10-12 लाख का CPU है तो, या फिर आप कभी मत डिविंसी रिजॉल्व को इंस्टॉल करिए, क्योंकि वो फ्री वर्जन हो सकते हैं लेकिन बहुत ही बुरी सॉफ्टवेयर है। मैं मानती हूँ वो बहुत बुरी सॉफ्टवेयर है। उनमें आप क्या कर सकते हैं, पहले आपके कंप्यूटर को आप बैकअप लेकर रखिए, आपके डेटाबेस जो है उनको बैकअप लेकर रखिए, उसके बाद डिविंसी रिजॉल्व उनमें इंस्टॉल करिए, चाहे आपकी मैक हो या फिर विंडोज, दोनों में ही वो रन करते हैं। दूसरे में आते हैं जो कि है फाइनल कट प्रो। ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल कभी नहीं होता है, आई थिंक होगा भी नहीं फ्यूचर में, पर मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो अवेलेबल नहीं है विंडोज़ यूज़र के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ करोड़पति ही यूज़ कर सकते हैं। वो लोग करेंगे, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10-20 या फिर 40,000 के अंदर एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होते हैं, तो उनमें आप अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो को एंड एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स को। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आपको प्लेबैक के लिए आई थिंक 120GB टू 256GB एक SSD लगा लेनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है अपने कंप्यूटर में तो कोई बात नहीं, आप उसमें ही आराम से काम कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो के नीचे, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू जॉइन विद अस एंड ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम @ Kripanti4। थैंक यू।